अध्यक्ष महोदय, मुझे बेहद खुशी है कि वैसे तो हम सब लोग सभी शहीदों को नमन करते हैं, सभी स्वतंत्रता सेनानियों का आदर करते हैं, लेकिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों में एक तरह से दो चमकते सितारे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह। दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह जी की तस्वीरें सभी दिल्ली सरकार के दफ्तरों में लगाई जाएंगी। कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि पंजाब सरकार के भी सभी दफ्तरों में भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें लगाई जाएंगी। जब से ये ऐलान किया गया है, मैं तो सोच रहा था कि हमारे विपक्ष के साथी इसके ऊपर हमें बधाई देंगे, तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। शुक्रिया। लेकिन जब से ये ऐलान किया है कि इतना, यहाँ तो कहने के लिए कह दिया बाहर, एक मिनट, मेरे को पूरा, हमें इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की क्यों लगाई, सावरकर की क्यों नहीं लगाई, हेडगेवार की क्यों नहीं लगाई। तो मैं कह रहा हूं भाई, सावरकर की और हेडगेवार की तुम लगा लो। अब देखो, जो बोल रहे थे उस पर तो किसी ने टिप्पणी नहीं की। मैंने कहा भाई, सावरकर की बोल रहे हैं, सावरकर की और हेडगेवार की तुम लगा लो, हम बाबा साहब अम्बेडकर की और भगत सिंह की लगा लो। कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं, इंदिरा गांधी की क्यों नहीं लगाई, राजीव गांधी की क्यों नहीं लगाई, सोनिया गांधी की क्यों नहीं लगाई। तो हम कह रहे हैं भाई, इंदिरा गांधी की तुम लगा लो, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर की और भगत सिंह की लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे को पता नहीं था ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर, ये बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह से ऐसी नफरत क्यों करते हैं सारे प्रतिपक्ष के लोग। मैं आपको बताता हूँ क्यों करते हैं, और खासकर बीजेपी वाले बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उस मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। सुन के चले जाना, सुन के चले जाना। बाबा साहब का नाम सुनते ही वॉकआउट कर गए, बाबा साहब का नाम भी नहीं सुनना चाहते, बाबा साहब अंबेडकर का नाम सुनते ही सुन तो लो। तमाशा, और ये सब कुछ जो इन्होंने बोला वो सच बोला, सुन तो लो। बाबा साहब अम्बेडकर ने सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब अम्बेडकर ने, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, डिस्टर्ब ना करें प्लीज। नहीं, ये कोई तरीका, सत्य कौन बोल रहा था, सत्य क्या बिजुड़ी जी ने बोला सब, आप बैठ जाइए। अब